अंजलि को तो पता ही नहीं है कुछ भी. अच्छा कॉन्सेप्ट है इंडिया में, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो मज़ा आता है. कोई नई, कुछ नई चीज़ है. एंड आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट. आई विश सनबर्न ऑल द बेस्ट. आई हैव हैड अ वेरी घर वाला रिलेशन विद देम. और इंडियाज नंबर वन फेस्टिवल आई एम परफॉर्मिंग. ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सनबर्न ऑलवेज. एंड या मुझे इस बारे में नहीं पता है, मुझे अली बताएगा अभी. और अली ने मुझे इनवाइट किया था बट मैं नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मैं हूँ नहीं यहाँ पर. ओके, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? जैसे आपने कहा कि गाना आने वाला है. गाना आने वाला नहीं, आ चुका है. आप सबने सुना कि नहीं सुना मेरा न्यू गाना दिल जले? अम्मा ने ये तो वन विशाल पांडे. थैंक यू. कुछ बताइए, विशाल पांडे के साथ गाना आया है, किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. गाना ट्रेंडिंग पे है और लोगों को बहुत अच्छा लगा है वीडियो. यार मुझे वो गाना बहुत पसंद है. वैसे दिल जलो की तो दुनिया है ही, है ना? क्या बात है? और दिल तो सभी का धड़कता है. पहले सैया दिल में आना रे, फिर दिल जलो अलग कर रहे हैं अंजलि जी. अब क्या है ना, बॉलीवुड ने हमें बेवकूफ बनाया था ना. प्यार एक बार नहीं होता, बार बार होता है. बार बार होता है. यस, थोड़ा थोड़ा. किस लिहाज से? दिल कभी भी, दिल बार बार टूट सकता है, बार बार प्यार हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. अगर किसी एक सेलिब्रिटी को बॉलीवुड से, टीवी इंडस्ट्री से और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी को ले जाना हो अपने साथ क्रूज पे, तो किसे लेके जाएंगे? मैं खुद ही नहीं जा रही यार. अरे मैं खुद ही नहीं जा रही. गिवन अ चॉइस. मेरा ब्रो है ना मेरे साथ, इनफ. आई डोंट नीड एनीवन. व्हाट अबाउट यू? इनके अलावा, इनका नाम ले लेंगे, इनके अलावा किसको क्रूज पे लेके जाओ वो लॉकअप के घर से किसी को? निशान ब्रो. जीशान? जीशान ब्रो. जीशान है, पूनम है, साईशु है, किसी को भी ले जा सकते हैं. आपने अपनी लिस्ट बता दी. यार लॉकअप ही क्रूज के अंदर बनना चाहिए, पता है? बहुत मजा आएगा. अच्छा जी, क्या खा सकते हैं? क्या आपको कुछ मेमोरीज याद है, कुछ यादें हैं, ताज़ा हैं जो क्रूज पे आपने कई बार विजिट किया हो? कई बार नहीं, मैं नहीं गई आज तक. क्रूज पे जाना चाहेंगी? हाँ फॉर श्योर. फाइनल, क्या आपको अच्छा लगता है क्रूज के बारे में और क्या बुरा लगता है? मुझे, मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर तो मुझे नहीं पता है उसका. और क्या एक्सपेक्ट करती है जब क्रूज पे जाते हैं? घूम फिर गए ऐसे आ रहे हो? अरे नहीं पता है. I will try कि मैं जा सकूं, but अगर मैं फ्री हुई तो मैं जरूर जाऊंगी. अली भाई आप कुछ बता दीजिए क्रूज के साथ कभी, लाइक हैव यू? यार जब पहला क्रूज था तब परफॉर्म किया था, दूसरा क्रूज था तब परफॉर्म किया था, अब ये क्रूज है तो परफॉर्म कर रहा हूँ. तो आई थिंक क्रूज और मेरा बड़ा टाइट रिश्ता है. सोल्ड आउट, जहाँ जहाँ सोल्ड आउट, जहाँ सोल्ड आउट. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय. था कि बहुत ही सेफ्टी के साथ हुआ था. एक्चुअली सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि क्रूज़ के नाम से बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, बट ये वो क्रूज़ नहीं था. ये क्रूज़ बहुत ही अच्छा था, जैसे टीम इनोवेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था लास्ट ईयर. और सारे आर्टिस्ट, जितने भी इंडिया के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सबसे बड़े डीजे, सिंगर्स, सभी ने परफॉर्म किया था. और काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था. तो आई थिंक दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम वेयर दिस क्रूज़ इज़ हैपनिंग, दिस फेस्टिवल इज़ हैपनिंग. इसमें सनबर्न है, इसमें टीम इनोवेशन है और इसमें क्रूज़ है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट सो मेनी पीपल आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट. इट्स लुकिंग वेरी बिग. व्हाट्स योर एसोसिएशन विद सनबर्न? सी माय एसोसिएशन इज की लास्ट टाइम आई वाज द हेडलाइनर. आई वाज डूइंग दिस इवेंट, मतलब आई वाज द मेन परफॉर्मर फॉर इट. देयर वर सो मेनी अदर परफॉर्मर्स आल्सो. एंड दिस ईयर आल्सो आई एम हेडलाइनिंग द इवेंट. मैं हूँ, चेतस है, और लास्ट टाइम बीपराग भी थे. और बीपराग तो आप जानते कितने कमाल सिंगर. सो इस बार वापस से हम दोनों कर रहे हैं, चेतस और मैं इस बार भी है. और भी बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन. एंड बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी है. किस तरह की तैयारी की आपने? मैंने तैयारी ये करी है कि मैं आ रहा हूँ और क्योंकि क्रूज़ में क्या होता है ना, ऑलरेडी आप इतने घंटे के टाइम पे आप लोग सब लोग डीजे सुन रहे होते हैं, सिंगर्स को सुन रहे होते हैं. सो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज होती है. तो कहीं ना कहीं मैंने अपना कुछ एक स्पेशल सेट रखा है कि जितने भी लोग क्रूज़ में आए उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आए और वो इन्जॉय करें. देखो अभी स्टेबिन को सब लोगों ने रोमांटिक गाते हुए सुना है, सैड गाते हुए सुना है, बट अभी जो स्टेबिन ने जो जॉनर चेंज किया है जाना, तो मैं अभी थोड़े पेपी गाने गाने वाला हूँ और थोड़े डांस नंबर्स गाने वाला हूँ. सो कहीं ना कहीं मेरे गाने भी थोड़ा चेंज हो रहे हैं, तो कॉन्सर्ट्स में भी वो गाने का एक चेंज दिखने वाला है लोगों को. पहला साल इतना कामयाब रहा, क्या मानते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी आपसे? बिल्कुल बिल्कुल यार, पहले साल सुपर पैक था. एक भी मुझे याद है होटल का रूम अवेलेबल नहीं था और लोगों के लिए स्पेस ही नहीं थी क्योंकि पूरा पैक्ड हो गया था. तो आई थिंक
ये दीज गाइज आर अमेजिंग, इनको पता है कैसे करना है, तो इस बार भी ये पूरा भर जाएगा और आई एम श्योर ये इस बार उससे बड़ा ही होने वाला है। सेवन, इसके अलावा आने वाले समय में कौन से नए गाने देखने मिलेंगे आपके? आई थिंक अभी मैं जाना गाने को प्रमोट कर रहा हूँ इस वक्त बहुत ज़ोर से, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश होती है तो मुझे आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अगले गाने जो है वो सब शूट के लिए तैयार हो चुके हैं और मैं उसको शूट करने वाला हूँ और जल्दी से शूट करके आप सबको रिलीज़ कर दूँ। बारिश का नाम ये है, बारिश के साथ करण के साथ आपका काफ़ी रोमांटिक गाना। बारिश आई है और एक गाना आने वाला है, सुना है कब आने वाला है कुछ पता है? करण के साथ मेरा अगला गाना आई थिंक अक्टूबर में आ जाएगा सबसे पहले, और उसके लिए भी बहुत तैयारी करी है। करण ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि बारिश आई में दिया था करण एंड तेजस्वी ने, वैसे ही सेम परफॉर्मेंस करण ने इस गाने में दिया है और ये गाना बड़ा ही रोमांटिक है, बड़ा पैपी है, तो कहीं ना कहीं करण एक नए अवतार में आपको नजर आएगा। क्या हम फिर से तेजरन को ही देखने वाले हैं? तेजरन को वापस देखोगे क्योंकि हर गाने में तेजरन तो आते ही गाना प्रमोट करने, मैं भी आता ही हूँ करण के साथ प्रमोट करने, तो आई थिंक सभी लोग रहेंगे पक्की बात। थैंक यू गाइस, थैंक यू भाई। कुछ आपके बारे में उससे पहले कुछ पूछूं मैं आपसे? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। और मैं एन टीवी सीरियल का पैरेलल लीड रह चुका हूँ, मैंने कई ये इश्क नहीं आसान के एपिसोडिक कर चुका हूँ, एक रिसेंटली अमावस गाना आया था उसके लिए लीड अमावस गाना भी किया है, एंड अभी मैं दो मराठी मूवीज़ साइन कर चुका हूँ और एक हिंदी वेब सीरीज साइन कर चुका हूँ, और फिल्म फेयर लेटेस्ट एडिशन में भी मेरा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ है। आई एम अ नेशनल स्नूकर प्लेयर और आई हैव 26 स्नूकर ट्रॉफीज एज वेल। क्रूज कंट्रोल, अरे क्रूज तो यार, क्रूज मतलब आई फील क्रूज इज़ अ वाइब विच एवरीबडी शुड यू नो गो एंड एक्सपीरियंस इट, इट इज़ द बेस्ट थिंग। हम बहुत बार घूमने जाते हैं, रोड ट्रिप करते हैं, बट क्रूज इज़ समथिंग डिफरेंट आई फील, जिसका वाइब होता है, एंड स्टेबिन पर्सनली इज़ माई वेरी फेवरेट आर्टिस्ट, तो इवन ही इज़ देयर, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड आर्टिस्ट्स आर देयर, सो आई थिंक जाके एंजॉय करना चाहिए बस। क्रूज पे आप क्या एंजॉय करते हैं, संगीत, ड्रिंक, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट? आई मोस्टली एंजॉय माई वाइब, ड्रिंक के साथ मस्ती भी होनी चाहिए, और व्हेन यू हैव ऑल योर फ्रेंड्स टुगेदर इट इज़ द बेस्ट थिंग टू गो, देयर इज़ नो बैरिकेशन ओवर एनी थिंग, इज द गुड प्लेस टू हैव अ पार्टी। व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट गौरव? Pipeline is I am doing a web series right now which is be coming on Zee Music, one music video is there, and Zee pe aur ek web series ka lined up hua hai, so hopefully ye saal mein bahut sare project aa jayenge jo maine covid ke baad bhi kaam kiya hai, so most probably I'll be more renowned till now. Thank you so much sir, thank you guys. With Cruise Control, and how much you enjoy cruise? Honestly speaking, I've never really gone cruising. I really want to, I wish to, but looking forward to this, yeah. Agar wahan jana chaho, kiski company pasand karte ho aap? First family, obviously, because this is the time I get to spend with them. Aur shoot pe to busy rehte ho, abhi main aayi is time pe hu. You know. आप दोनों की वेब सीरीज आने वाली है, yes. जी. बारे में, yes. पीसा ची के बारे में, yes. लोगों का प्यार काफी मिल रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. योर कैरेक्टर दो है नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल. Thank you. People are saying that they are not scared. They are falling in love with me. I'm like, अरे यार क्या? है इतनी प्यारी नायरा, क्या करें? तो डराने की कोशिश जारी है वैसे, green eyes और veins दिखा के. But let's see. But I'm getting lot of love and I'm looking forward to our web series we shot couple of months ago and finally it's releasing on the 28th. 28th, yeah. Nayara, you hardly come to an event. How come you here compared to 12:25? Either reason behind Ali or the proofs? Of course. Both. Sach mein? No, I met him after very long yeah. time now. Bahut time baad mile, and honestly, I don't really go out. I hardly go clubbing or go to any events. So he's in town and he's like, chal. I'm like, thik aa chalti hu. Tell us something about your web series coming up with Nayara. Tell us something about it. Well, I'm very very happy कि मैं one of the best actors के साथ काम कर रहा हूँ. She is such an amazing co-star. और जो वेब सीरीज़ हुई भी और मिली भी, वो भी यू नो समवे आई गिव हर क्रेडिट, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन हाउस मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, एंड शी इज़ लाइक, अरे क्या कर रहा है तू, मैं हूँ तेरे ऑपोजिट, ओके इमीडिएटली मैंने कॉल किया, यार अब तो करना ही है. Yeah. You know, so that's how it happened. Yeah. नायरा जी एक सवाल पूछ रहा था, दंगल में जिस तरह का आपका रोल था वो कैरेक्टर काफ़ी अलग है, पिशाचिनी का कैरेक्टर अलग है, बट मैं देख रहा हूँ जिस तरह का प्यार मिलता है दोनों में काफ़ी हाई है, एंड पिशाचिनी इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल,
tell us something, the kind of love that you received from your fans. I got immense amount of love in Dangal as well, the Raksha Bandhan, my show, and here though it's even more because here I'm playing the title role and the story is about Pishachni, so the love is even more over here, and I'm enjoying all the antics that I do, all the stunts that I do, the way I scare people, or the way I mean, in a very lovingly, I'm trying to patao people or get. I want to hear the laughter, है ना? वो हंसी में जो मजा है ना, वो कौन कौन सुनना चाहता है? अरे बाप रे! है ना? चलो यार. सुना दी. एक बार तो बनता है. सुना दी. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you.